walks into a studio, मतलब तैयारी का मौका तो दें हम, दे we have one whole thing planned. मतलब क्या तैयारी? So you're ready. You have come in like born ready. Alright, team ready. Sorry, my volume and all that. While Ajay takes a step back, he's like, शुरू हो गई मलिश्का. Alright, super hits 93.5 Red FM पर, क्योंकि आंखें देखना जरूरी है. After all, देखिए तो हमारे सामने कौन बैठे हैं. मक्खन का गोला, it is a भोला. अर्ज किया है, सूरत स्मार्ट है, नाम है भोला. इनकी आंखों को देखकर कितनी लड़कियों का मन डोला. शोला है, शोला शोला. शबनम भी, कैसी है तुम्हारी बहन शबनम? जस्ट आस्किंग. जब ये अपने मूवी में गाड़ियां, कार और बाइक उड़ाते हैं, इनका एक्शन देख के बाकी तो क्या स्टंटमैन भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, बिकॉज डायरेक्टर एंड ऑल. अब जब आए हैं रानी के साथ, तो बात करेंगे खोल के अपना तन और मन. आई डिड नॉट से तन, आई डोंट नो हु रोट दिस. लेडीज एंड जेंटलमैन इन द रेड एफ एम स्टूडियोज, वेरी हैंडसम, वेरी डैपर अजय देवगन. प्लीज गेट इम्प्रेस विद माई शायरी. अब तक आप जितनी क्या डिपेंड, आपको पसंद है फिर तो मैंने लिखी ना. सिंपल है, डोंट बी लाइक दिस. इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी. ऑलराइट, इसी के साथ साथ लेट्स डू द रसम थिंग्स. Alright, गमछा पहन के तैयार. Let's start with you. Thank you, Ajay Devgan. I see that you absolutely love coming to Red FM. मैंने ये नोटिस किया है. तो प्यार भी तो देखो. ये वीडियो में आएंगे भी नहीं, सब गमछे पहन के तैयार. Honestly, I love coming here. है ना? ये बाकी रेडियो स्टेशन में भी बोलते हैं क्या जैसा आसकी? अगर जबरदस्ती करते तो बोल देता हूं. मैंने तो देखी नहीं की. कम ऑन, नो सीरियसली, नोबडी रियली एंजॉय कमिंग हियर, है ना? बिकॉज़ आल्सो इट हैज बीन अ सीजन ऑफ ग्रेट लव फॉर अ लॉट ऑफ मूवीज जहां पर आया पाए हैं. आई वांट टू आस्क यू इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट मीटिंग व्हिच वाज दृश्यम 2 के वक्त, जब हमने दैट वंडरफुल रेड करेगा थिएटर फुल किया था यार. द वे पीपल वर नट्स एंड ऑल दैट, सम ऑफ देम आई वांटेड टू जंप इन योर लैप. I stopped them. Why did you stop them? You know we are doing a Red Karega theater full for this also, na Bhola? Yeah, I know. And you must know that my ladies who listen are not Bhola at all. This time they hear it, they will jump into your... I'll be there. Yes. So there is going to be a Red Karega theater full. Congratulations. We were just doing some research on the movie and all. Already suna hai advance booking. De dhana, dhan, dhan, dhan is happening. Kal shuru hui hai, Sunday ko. Keeping fingers crossed. जाइए बुक कीजिए टिकटें. हाँ कर ही रहा है मतलब, but you had a great Sunday basically. Yes, nice, yes, yes. Yeah. All right, it's going to be great after this as well. We've seen कि आपने बहुत इसके इर्द-गिर्द promotions किए हैं. We've been part of that. Trucks are around the place. You have been traveling. You have been so deeply involved. Director भी आप ही हैं. You're acting in it. What is with this extreme involvement in movies? Yeah. Honestly, मैंने बहुत ज़्यादा promotion की नहीं क्योंकि मैं film complete कर रहा था. दो दिन पहले तो मेरा सारा काम खत्म हुआ है. आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और जो आप लोगों ने किया दैट इज फैबुलस. कितनी छोटी ताली बजाई अपने आप के लिए. नाउ लेट्स कम बैक टू भोला. द लास्ट फिल्म वी सॉ यू इन दृश्यम वाज लाइक अ फैमिली वाली पिक्चर एंड ऑफ कोर्स अ ब्रेन वैक पिक्चर. लोगों को देख के ऐसे क्या होने वाला है इसमें, एंड दिस इज नाउ एन आउट एंड आउट एक्शन पिक्चर जो एक रात में जो है ट्रक्स उड़ रही हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं. बट एक्चुअली देखा जाए तो ये भी फैमिली वाली पिक्चर ही है. आई थिंक बैक स्टोरी उसमें he was protecting his family दिमाग से. इसमें अपने बाहुबल से yes. But we don't see a backstory in this. हमको अब तक मतलब more or less समझ में आया कि बेटी तो है आपकी डायलॉग के जरिए. बैकस्टोरी एक हल्की सी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खोली है फिल्म में. क्योंकि वो मैं अगली पार्ट में खोलना चाह रहा हूँ. अच्छा, there's a भोला पार्ट 2 hopefully and a 3 and all hopefully. So tell me something, कि आपने ये स्क्रिप्ट क्यों चुना? You know the people constantly keep saying, I think the story idea was very very interesting and very nice and very simple. वो इतना एक सिंपल अच्छा सा थॉट था तो आई रियली लाइक्ड इट. तो मुझे लगता है, मुझे लगा कि इसको मैं अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके, अपने कैरेक्टर्स वर्कआउट करके, जो भी स्क्रीन प्ले चेंज करके, मतलब बेसिकली स्टोरी अडेप्ट करके इसको अपने तरीके से बनाया जा सकता है और बहुत खूबसूरती से बनाया जा सकता है. ओके, एंड एज अ डायरेक्टर एंड ऑफकोर्स वी जस्ट रिसेंटली सॉ दैट 6 मिनट का एक्शन सीन, एक सीक्वेंस है
बाइक सीक्वेंस है. तीन महीने लगाए, तीन महीने रिहर्सल्स, बिकॉज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था. एंड आई प्रेफर शूटिंग एक्शन, व्हेन आई शूट एक्शन, चाहे वो शिवाय था चाहे ये था, जो कि किसी ने लोगों ने कहीं देखा ना हो. मतलब कि वरना क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी हॉलीवुड फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस देखते, बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, उसको हल्का सा इम्प्रोवाइज करके सिमिलर सीक्वेंस बना लेते हैं. जब मैं एक्शन डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा कुछ हो कि किसी ने पहले देखा नहीं हो. इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी लगती है, और क्योंकि वो एकदम नया होता है तो उसको फिर शूट करने में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको करेंगे कैसे सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेते हुए. तो इट इज़ टफ. Yeah, and you can see it. I mean, when you said it took 3 months, or I was looking at it, and I yeah, because I had special bikers from specialists from all over the world, jo bike riders, aur phir unke sath rehearsals thi ki wo kya kar payenge, kaise kar payenge, aur us hisab se improvise karna tha. Bikes ke sath to aapka pyar purana hi hai. You love it, and you we discussed this the last time about you doing that split again, and you said ki agar, see, I remember you said agar main practice karunga to ho jayega. Haan, agar practice karunga to ho jayega. Okay, fine. You know, we saw the whole dedication you did to dad, and I would love for you to tell us a few stories where dad was involved. Kyunki aapne kaha that the action of this film is dedicated to my father. Main aaj jo bhi sikha hu unki wajah se sikha hu. Agar aap kisi bhi industry mein puchenge jo ke us zamane ke hain, all the actors, all the directors, topmost directors, topmost actors, he was one of the most, not one of the most, the finest technician ever. मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट की और इनोवेटिव चीज़ें क्रिएट की. उस वक्त ना ग्राफिक्स होता था, ना यू नो VFX होता था, तो सब लाइव करना और कैसे करना और उसको आसानी से एक्टर्स से कैसे करवाना, आई थिंक, एंड द वे ही यूज़ द कैमरा, इट वॉज समथिंग आउटस्टैंडिंग. तो वो बचपन से मैं उनको फॉलो करता आया हूँ, और आई थिंक जब मैं 8-9 साल का था तब से वो मुझे एडिट पे भी ले जाते थे, और फिर मैं 11-12 की उम्र में एडिट भी करने लगा, और उनको असिस्ट भी काफ़ी जगह पे किया, देन आई बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर. तो मेरा इंक्लिनेशन हमेशा उस तरफ बहुत था. कई ऐसी चीज़ें वो जब शूट करके आते थे, जैसे कि मुझे याद है वो जब फिल्म कर रहे थे मिस्टर इंडिया के वक्त, अगर आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट्स है, तो वो सब लाइव करके आते थे, और वो मुझे कहते थे कि उन्होंने मुझे कैमरा भी लेके दिया था उस टाइम का, वो एक VHS बड़ा कैमरा था, उस टाइम पर वही एक आता था. देयर वर थिंग्स लाइक कि आज मैंने एक ऐसा शॉट लिया है, तू बता कैसे लिया होगा. And then next day, I used to use my brain, shoot the same thing and show it to him. कैसे लिया था? With your camera, जो with my camera. तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला, and उससे ज़्यादा उनसे सीखने को मिला कि अगर आप काम में honesty रखो और काम में पूरी dedication दो और काम के साथ cheating नहीं करो, तो कभी आपका काम गलत नहीं होगा. So I've learned a lot from him, and I always remember him every day. Any iconic scene that you'd like to talk about, or any film star that you've probably met over the years? All of them. I mean, from Amit ji to Dharam ji to everybody. I used to go on set, especially during holidays. जब वो 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, तो जहाँ भी उनका outdoor होता था, I used to go. Became an assistant director also. फिर मैं 10:30-11 बजे तक college जाता था, उसके बाद मैं shooting पे जाता था. Oh, lovely to hear stories from your days back then. Tell me any particular style जो आपने पापा के इस style से जो in this movie that we might get to see. I don't know, लेकिन हर चीज में, हर जो भी मैं करता हूँ उसमें उनका एक thought embedded है कि ये वो इतनी आसानी से कर लेते थे. जैसे कि ये 6 मिनट का bike sequence भी, I think it is impossible to shoot the way we shot it. I mean, it was quite risky and quite dangerous. The cameras were very close when the bikes were crashing and things like this. वो safety precautions बहुत लेते थे किसी को मार ना लगे, तो वो दिमाग में रखते हुए उनकी काफ़ी मैंने टेक्निक यूज़ की जिसमें लोगों को मारने लगे. उस हिसाब से फिर मैंने चीज़ें भी डिज़ाइन की और कैमरेज भी ऐसे डिज़ाइन किए जो कि अपने आप ऑपरेट होते थे, और नोबडी हैड टू बी क्लोज टू द कैमरा एंड थिंग्स लाइक दिस, एंड वी वर ऑपरेटिंग फ्रॉम फार अवे. सो बहुत सारी चीज़ें. लेट्स प्लीज टॉक अबाउट तब्बू, बिकॉज़ वी ऑल लव तब्बू. तब्बू इज आज आने वाली थी, वी मिस हर. I don't know. I think she's busy somewhere. Yeah, of course, she's busy. And then Tabu and you come together, and it's a completely different space altogether. She's very natural, no? She's very, matlab. She's a fabulous actress. Fabulous actress. मतलब उसको एक सीन दे दो तो वो इतनी जल्दी पकड़ लेती है और इतना naturally कर लेती है कि I think it's a director's delight.
I know, and then plus she looks very good in uniform. Yeah. Please let's tell her that. तो आपके हिसाब से इस project के लिए vision क्या था? Whenever I make a film, I always decide या मैं हमेशा करता रहा हूँ जो भी फिल्में मैंने बनाई हैं कि what new to bring on the table for the audiences जो उन्होंने आज तक देखा नहीं हो technically concerned also. So this film also we've designed. The lighting patterns and things like this, keeping all the emotions and drama in mind, क्योंकि आप कोई भी technique जब use करते हो अपनी कहानी को enhance करने के लिए करते हो. ये film में जिस किस्म का action है और जिस किस्म के visuals हैं, so this is the, I think the first film in 3D IMAX 3D, in our country. So one of the things I definitely want to know is as a director as an actor, मतलब बस मैं आपको देख रही थी उन shots में वो 3 minute का ही मैं देख रही थी. You look so like you're concentrating. Do people get to chill with you as an actor or is it just like oh my? When I'm directing, no. नहीं मैं एकदम इधर उधर भागता रहता हूँ और यू नो एंड देन यू आर इन द सीन आल्सो देन आई एम इन द सीन आल्सो सो देयर इज नो चिल सीन्स बिल्कुल नहीं होते देयर इज नो चिल एंड नोबडी इज डूइंग मस्ती आल्सो बिकॉज़ दे आर लाइक नो आपस में लोग लगे रहते हैं थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं होती ओके सो वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम आवर लिसनर्स बिकॉज़ भोला हैज बीन ऑन आवर माइंड्स फॉर सो लॉन्ग यस ओके एंड फ्रॉम दैट ओनली आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम ऑफ आवर क्वेश्चंस जो हमारे लिसनर्स ने हमें भेजे हैं सुना दें हाय अजय सर भोला का ट्रेलर देखा मैंने बहुत जबरदस्त ट्रेलर है मुझे बस ये जानना था कि आपने सबसे भोली चीज क्या की है लाइफ में मतलब द मोस्ट इनोसेंट चीज इन योर लाइफ यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बहुत दूर तक पता नहीं कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है नो नो यू हैव टू इट्स अ लिसनर आई थिंक सो मेनी नॉन भोला थिंग्स हैव बीन डन यू कांट थिंक ऑफ वन भोला थिंग अजय No, those are done in a way कि आप खुद ही realize नहीं करते हो और simple चीजें करते रहते हो that सारा दिन करते रहता है आदमी यार but nothing specific that I can pinpoint I like how Ajay doesn't want to tell us a specific no, I really don't remember like you've never done गेड़ियां outside a girl's house with your bike for example yeah I must have Valentine's card नहीं दिया Valentine's card and all don't no. believe है ना Valentine's is मतलब ठीक है Valentine's हमारे जमाने में तो वैलेंटाइन इतना था भी नहीं करेक्ट ये तो अब वैलेंटाइन डे आ गया है रोज डे आ गया है चॉकलेट डे आ गया है डॉग डे आ गया है मंकी डे आ गया है पता नहीं क्या क्या आ गया है तो एनिवर्सरी में विश्वास रखते हैं ना वो भी मैं भूल जाता हूँ कई बार करेक्ट एंड आई कांट इमेजिन व्हाट काजल मस्ट बी गोइंग थ्रू व्हेन इफ आई मीन दैट यू विल हैव टू आस्क या नो दिस इज अ लिटिल बिट संजीदा एंड वी वांट योर टेक नॉट संजीदा बट लाइक लिसन दिस हाय मेरा नाम है आशीष अजय मुझे आपसे ये पूछना था ये आजकल जो पैप्स कल्चर बहुत अपफ्रंट हो गया है मतलब लोग आते जाते सेलिब्रिटीज के फोटो खींच लेते अभी तो बच्चे लोगों का भी खींचना स्टार्ट हो गया है विदाउट परमिशन विद और विदाउट परमिशन मुझे आपसे ये सवाल है कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट और आपका कॉन्वर्सेशन क्या होता है इन डाइनिंग रूम जब कोई पैपराजी आपके बेटे या बेटी का फोटो खींचते रहते बिकॉज देर नॉट दैट ग्रोन अप टू अंडरस्टैंड दिस थिंग सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट देम और आपका कॉन्वर्सेशन क्या होता है आपके बच्चों के साथ In the sense, you're right. ये culture बहुत ज़्यादा हो गया है and I keep requesting them also के please leave them alone. हमने ये profession choose किया है तो आप जो भी करते हैं हमारे साथ वो ठीक है but वो बच्चे हैं यार and they really get disturbed and they when they get disturbed we have conversations उनको समझाना पड़ता है उनको ये भी समझाना पड़ता है कि यार ऐसा है दुनिया ऐसी है आपको समझना पड़ेगा और इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बट इवेंचुअली वो समझ जाते हैं प्रोटेक्टिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोटेक्टिंग में अब यही हो गया है कि प्रोटेक्टिंग में आप उनको समझा सकते हो उनको सही गाइड कर सकते हैं कि डोंट टेक इट सीरियसली Correct. Have you ever had a conversation with the Paps, for example? I have. I mean, at least the photographers and things like this. And they're all very close also. So they do understand also. But itne zyada hai. Or it's like anybody who has a phone is a Pap now. Look at us. yeah. So wo jo ek प्रोफेशनल डिमार्केशन है वो ही खत्म हो गया है कि कौन जेन्युइनली प्रोफेशनली इज अ जर्नलिस्ट एंड कौन नहीं है Have you ever gotten really angry like when something I used to get very angry but now it doesn't I don't I think with age you mellow down also and you realize also ki gussa karne se koi fayda hone wala nahi koi farak padne wala nahi hai matlab ki aap khud hi apna time waste kar rahe hain to jitna aap thoda bahut samjha sakte hain samjha do otherwise just forget it and move on
All right, that's a good attitude to have, I guess, when you're in the business. Ye question, oh, this is a good one also. Ajay sir, I'm your huge, huge, huge fan. मेरा ना मलिश का एक सवाल है अजय सर से. आपके मूवीज में देखा है गाड़ियाँ उड़ाते हुए, हेलीकॉप्टर्स पे दो बाइक पे सवार होते हुए. I want to know, last time आप रिक्शा और ट्रेन में कब ट्रैवल किए थे और ट्रैवल करते भी हो या नहीं? हट, हट. गाड़ियां देखिए, नीचे भी दो आए हैं, अजय देवगन ऐसे आए दो गाड़ियों पे पहन के. रिक्शा और ट्रेन में काफी टाइम हो गया रिक्शा में ट्रैवल नहीं किया, बट कभी कभार कर लेते. एक बार हुआ था, एक बार हम मेजर साहब की शूटिंग कर रहे थे पूना में, एंड वी ऑल वर, तो हम रात को बाहर जाया करते थे, एंड एक रात को अमित जी ने भी कहा कि यार तुम लोग अकेले जाते हो, मुझे भी लेके चलो. सो अमिताभ बच्चन जी, तो वी ऑल वेंट आउट टू सम प्लेस, और वहाँ पे हमने ड्राइवर्स को बोला कि आप लोग खाना वाना खा के आ जाओ, एंड जब तक हम यहाँ हैं, तो वी हैड सिक्योरिटी एंड ऑल, एंड ये पुणे में हुआ था. एंड जब वी फिनिश्ड अर्ली, तो हम जब बाहर आए तो हमारी गाड़ियाँ नहीं थी, और अमित जी को देख के इतनी पब्लिक जमा हो गई कि पूछो नहीं, सिक्योरिटी भी हैंडल नहीं कर पा रही थी. तो मैंने क्या किया, मैंने रिक्शा रोका और अमित जी को बोला बैठिए आप. अमित जी, अमित जी, सोनाली और नफीसा. अच्छा नफीसा, हाँ. तो अमित जी को, नफीसा को और सोनाली को मैंने ऑटो में बिठाया. ऑटो वाले को मैंने 500 रुपए दिए, बोला ये होटल में पहुंच जाना, उतर तू. एंड आई रोड द रिक्शा एंड आई गॉट देम टू द होटल, एंड दे एंड वी हैड द बेस्ट राइड. ये रात के 2 बजे थे, एंड वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स. दैट इज सच अ कूल स्टोरी. देन व्हाट हैपेंड, द रिक्शा वाला केम टू गेट उसको, मां बुला लिया, फिर उसको आई मीन आई गिव हिम सम मोर मनी आल्सो. एंड डू यू रियलाइज व्हाट मस्ट हैव गॉन थ्रू हिज माइंड? वो अपने पोते पोतियों को कहानी सुना रहा होगा कि अजय देवगन ने मेरी रिक्शा चलाई. बट फिल्मों में तो बैठते रहते हैं रिक्शा में, आई मीन कितनी बार. Hi, मैं अंकिता और आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ अजय देवगन. एंड सच बताओ तो यार, उसकी आंखें इतनी 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 गहरी है ना, आई एम लाइक ऐसा डूब जाने का मन करता है उसकी आंखों में. बट मेरा एक सवाल है अजय देवगन जी से, एंड अगर आप पहुंचा सकते हो तो बहुत बढ़िया, कि एक्शन तो वो बहुत अच्छा करते हैं, बट शर्टलेस एक्शन आज तक क्यों नहीं किया? पीपल आर वॉन्टिंग, गर्ल्स आर वॉन्टिंग टू सी हिम इन हिज शर्टलेस एक्शन. एक्चुअली किया है मैंने, सिंगम में किया था, देन एक फिल्म थी एक्शन जैक्सन, उसमें किया था, और इसमें भी मेरा एक सीक्वेंस है भोला में, वेर आई एम एक्शन तो नहीं कर रहा हूँ शर्टलेस. वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है कि आदमी लड़ने से पहले शर्ट वर्ट उतारता है. आई थिंक इट इज, मतलब हम फिल्मी फिल्में बनाते हैं, बट इतना ज्यादा, बट देर इज अ सीक्वेंस वेयर आई एम प्रेइंग एंड इट्स शर्टलेस. एंड आई आल्सो वांट टू टेल दिस फैन कि आज पता नहीं क्यों मगर नैनो पर चश्मा लगा कर बैठे हैं अजय देवगन. क्योंकि रात को सोया नहीं हूँ, मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा है. अच्छा, ओके. कितने हैं कौन? All right, we're going to quickly do a Bhola movie quiz and you're going to tell us the answers to this. All right, Bhola mein, kisne sabse maximum takes liye, Ajay? Nahin, kisi ne bahut zyada takes nahin liye. I think 2-4 takes se upar gaye nahin hum log. I have a lovely cast and they've all performed very, very well. And sabke, I was very particular because jo har character hai, bahut important hai aur uska ek bahut hi alag kisam ke nuances hai, toh I wanted a good cast. And that's why I really concentrated on the cast. We have another question for you. You know, like you're surrounded, obviously as a director, actor, you're surrounded by fabulous actors. Tabu is one. You also have Kajal at home. Hum bas sachmuch mein janna chahte hain. Kabhi does it not occur to, like, doesn't Kajal tell you ki mujhe non alone a picture mein, main bhi achhi lagungi? Nahin, aisa nahin hota, because she knows ki jahan role is right for her, I will definitely cast her. Achha, aisa hai. But like, you're a strict director. But wo bahut finicky hai. Wo script sunegi, decide karegi, karna hai, nahin karna hai. अच्छा, इट्स नॉट अप टू यू. नो नो, इट्स नॉट अप. आ जाओ कर लो. नहीं नहीं, इट्स नॉट अप. सेट पे सबसे ज्यादा ड्रामेबाज कोई भी नहीं बेचारे, सब सीधे. ऑनेस्टली कोई भी नहीं. हां, मे बी इट्स मी आल्सो. नो, नॉट ड्रामेबाज लाइक दैट. आई मीन इट्स यू, कि आप होते तो पीपल आर लाइक भाई अजय देवगन के साथ. नहीं, वैसे भी बहुत स्वीट है, सबके सब बहुत स्वीट है. अगर तब्बू थोड़ा ड्रामा करती तो उसको मैं डांट देता हूँ, बाकी कोई ड्रामा करते नहीं.
वो भी नहीं करती है बट वो कभी सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक अपने काम को लेके सभी हैं आई थिंक सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं और मैं ऐसा करूं मैं वैसा करूं यू नो एंड दे रियली रिहर्स एंड दे रियली रेडी वर्कआउट दीपक वाज वेरी एक्साइटेड इन द फिल्म ही इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर आई लव सीइंग हिम डायरेक्टर की ना सुनने वाला किसी की मजाल है नहीं नहीं कोई नहीं दो थप्पड़ खाएगा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया सेवी इट्स नॉट मी इट्स नॉट इवन तब्बू एक्चुअली मेरे यूनिट में इस यूनिट में कोई नहीं था अजय वी हैव वन लास्ट गेम फॉर यू यस No, don't open it before I tell you what it is. Basically, यहाँ की जो टीम है जो यहाँ पे गमछों में आए आप लोगों के लिए भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए दिस कंटेन्स नेम्स ऑफ योर मूवीज ओके यू जस्ट हैव टू डम शराड इट फॉर देम सो दैट दे गेट विच मूवी अरे यार आई एम वेरी बैड एट इट यू आर वेरी गुड एट दिस वी रिमेंबर यू द लास्ट टाइम तभी तो गेस करो गेस करो टू वर्ड्स फर्स्ट वर्ड बोल बच्चन बोल दिया बोल दिया मैं तो अभी भी बोला सोच रही थी लाइक बोला तू पार्टिसिपेंट बोला तो नहीं 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 सब करेंगे आओ सेकंड पे आओ इंक्लूडिंग पूर्वी चलो सिक्स वर्ड्स पहला शब्द पहला एक वन एक के बाद दो इंग्लिश इंग्लिश में है वन एक फर्स्ट वन वन का आगे क्या है वन टू थ्री का ही सिनोनिम है कुछ Uno. okay. Give us the next six. Sixth word. Sixth word. Now, aaj. Mumbai. Mumbai. Ah. Once upon a time in Mumbai. Once upon a time in Mumbai. Very simple. Finger. He did the word with finger. One word. Lips love. हंसी से रिलेटेड है मूवी हंसी थी इसमें कॉमेडी फिल्म है कॉमेडी ओके कॉमेडी फिल्म है आप ही की फिल्म है ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है क्या हीरा भी नहीं सॉरी एक शब्द है हीरोइन कौन थी अच्छा हीरोइन कौन था हीरोइन की एक्टिंग का नाम पुरानी फिल्म है कि अभी वाली फिल्म है थोड़ी सी पुरानी है थोड़ी पुरानी है ओके ओके कॉमेडी है थोड़ी पुरानी है एक वर्ड है ओके बेहोश मदहोश इसी टाइप का है पागल दीवाना ममता जोगी टाइप थिंग्स मतलब पर एक कोई फीलिंग है जोगी दिल से समथिंग कुछ तो भी Yelgar types. Was this one word? Yeah, it's one word. And Split it up and tell us what it sounds like. ऐसे दीवाना टाइप है क्या मतलब वो बंदे का वो तू ही कर दे तेरे को बड़ा मजा आ रहा है Helping. Helping. अच्छा रुको we have to crack it. Okay. Wait, wait, let me think out. I thought you were going to stand and all that and do a dance move. I was thinking. No, I was thinking. Is there a dance in it? कोई आइटम गाना था उस गाने पिक्चर में? नहीं पता नहीं. You were police officer? No. नशा. Police officer था? हाँ. Police officer थे ये. Hey. हाँ. अमिताभ बच्चन था इस फिल्म? नहीं. कौन कौन सी फिल्म थी पुलिस वाले इट्स सम नशेड़ी थिंग इज हैपनिंग हियर इट्स द नेम ऑफ द फिल्म और योर कैरेक्टर पुलिस वाला नहीं मरता ना अनमोल तू बेहोश है पुलिस वाला पुलिस वाले की फतेह होती है तीन शब्द बाबा ब्यूटीफुल क्या सुंदर खूबसूरत खूबसूरत सुंदर मस्त 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 मस्ती Must is the Masti 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 only na Are Ore baap re bahut police wala police wala photo okay this one okay char shabd hai ha aao huzur tumko de lao de de adam nahi de is first word okay de de pyar de are okay Now he's in form. Again, no, again. Masti, Mumbai. Once upon a time in Mumbai. Masti zade, masti. Nee. Golmal. 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 Sirf aise karke samajh mein aaya.
सबसे टिप मिल रखे थे खेलने का. यू डोंट हैव टू डू ऑल. ओके एक शब्द है. वापस देखो तुम मार खाए. चल बस हो गया यार. ओके क्या बात है क्या बात है. टाटा फॉर द टीम आल्सो. या प्लीज. I have none other than Ajay Devgan with me to tell you the rest. Ajay, take it away. राम नवमी को फिल्म रिलीज हो रही है. एडवांस बुकिंग खुल चुकी है. प्लीज जाके फिल्म देखिए और टिकट्स बुक कीजिए अब क्योंकि राम नवमी वाले दिन छुट्टी है. Also, इस फिल्म की ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको लगता है that people will really love? आई थिंक फिल्म में कोई एक चीज़ लोगों को पसंद नहीं आनी चाहिए. फिल्म टोटैलिटी में पसंद आनी चाहिए. फिल्म का एक्शन तो अपनी जगह है बट आई वुड से जो इमोशन और ड्रामा है और जो मेन मुद्दा है फिल्म का दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्ट. अजय अपनी आवाज़ में डीप आवाज़ में डीप वाली आवाज़ में एक बार बोल दो ना. रेड मतलब एक ही आवाज़ है मेरी यही वाली आवाज़ है. इसमें कोई डीप और शैलो आवाज़ नहीं है. दिस इज़ व्हाट यू थिंक हमसे पूछो. हाँ लेकिन वो एक ही आवाज़ है ना. बजाते रहो, बजाते रहो, 95.5 रेड एफएम.